प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी ऐसे नंबर को जो डेसिमल सिस्टम में है उसे बाकी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल में एक नंबर है 26, इसे हमने बार बार 2 से डिवाइड किया था और उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इसी तरह 2323 को बार बार 5 से डिवाइड किया था और इसे पेंटा सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया था। इसी तरह 5000 को 8 से बार बार डिवाइड करने से हमने इसे बेस 8 में यानी ऑक्टा सिस्टम में कन्वर्ट किया था। तो किसी नंबर में भी अगर हमने डेसिमल सिस्टम के नंबर को किसी भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो इसका यही तरीका है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि अगर हमने बाकी सिस्टम ऑफ नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यानी बेस 2 से अगर हमने डेसिमल में 26 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, या बेस 5 से डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑक्टा सिस्टम बेस 8 से डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम ऑफ नंबर्स में अगर कोई नंबर है और उसे हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो इसका भी एक ही तरीका है, यानी अगर आप इसे अच्छी तरह सीख जाते हैं तो आप किसी भी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट कर सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी पेंटा एंड ऑक्टा नंबर्स इनटू डेसिमल सिस्टम्स। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी हम अच्छे अच्छे लेसन प्रोवाइड कर सकें। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक्सपेंडेड मेथड और शॉर्ट मेथड। हम इन दोनों मेथड्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डेसिमल सिस्टम में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करें, पहले डेसिमल सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 6735, ये डेसिमल नंबर है। अगर हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे पढ़ते हैं, 6735, यानी इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 6735। अगर हम इसे मल्टीपल फॉर्म में लिखें, यानी 10 की पावर्स में लिखें, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे 10^3 प्लस 7×10^2, 3×10^1 और 5×10^0, क्योंकि 10^0 1 के इक्वल होती है। हम मल्टीप्लाई के बजाय ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिट है, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये टेंस है,
10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 100 होता है, 100th प्लेस है, यानी 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 6000 प्लेस पे है, इसे हम 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेस 10 में नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पर 10 का नंबर इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास, अगर हम बेस 2 के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते तो यहाँ पर 10 के बजाय हम 2 लिखते, यानी बेस 2 के नंबर के लिए 2 पावर 3 लिखते, यहाँ पे भी 2 पावर 2 लिखते, यहाँ 2 पावर 1 लिखते और यहाँ पे 2 पावर 0 लिखते, या इसकी जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बेस 8 में नंबर हो या बेस 5 में नंबर हो तो हम इसके लिए 5 का लफ्ज यूज करते। बेस 8 में होता तो 8 पावर 3 यूज करते। तो जहां जहां बेस 2 हमने लिखा है वहां पर पेंटा सिस्टम को या ऑक्टा सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए अब हम बारी बारी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तरीका बिल्कुल वही रखना है जो हमने डेसिमल सिस्टम में इख्तियार किया था, यानी इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, यानी 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया था, मगर यहाँ पर हम 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। अब इन सारे नंबर्स को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 पावर 2 1 के इक्वल होती है, इसे हम 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 ही लिख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 4 और प्लस 1। अगर इन सब नंबर्स को प्लस कर दें तो 13 आ जाएगा, जो कि डेसिमल सिस्टम में है। तो इसके साथ बेस 10 लिखना जरूरी नहीं, यानी 1101 जो कि बाइनरी में है, डेसिमल में 13 लिखेंगे। अब हम इस दूसरे नंबर को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक और बाइनरी नंबर है 11011, इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप देखें कि इसे हम यूनिट यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 पावर 1 को, 2 पावर 2 को, 2 पावर 3 से और 2 पावर 4 से। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 4 से, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2,
1 multiply 2 power 1 plus 1 multiply 2 power 0. तो इस तरीके से अगर हम इन नंबर्स को सॉल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 0 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 1, 1. यानी 2 पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है. इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, यहाँ पे 8, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 और फिर 1. सिक्सटीन प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इन सारों को प्लस कर लें. 16 प्लस 8 24, 25, 26 एंड 27, जो कि बेस 10 में है. लेकिन बेस 10 में 10 नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास जो नंबर था 110112 बेस 10 में से 27 लिखेंगे. अब हमारे पास एक नंबर है जो बेस 5 में है, यानी बेस पेंटा में है, पेंटा सिस्टम ऑफ नंबर्स में है. इसमें भी तरीका बिल्कुल वही होगा जो हमने बेस 10 में और बेस 2 में किया था. यानी जो पहला डिजिट है 2, इसको ये यूनिट प्लेस पे है, इसलिए हम इसको इसमें बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 4 को बेस की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम बेस की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका तरीका ये है कि 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 0. तो ये 5 पावर 0 1 के इक्वल होता है. कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है. इसके बाद हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, यानी मल्टीपल्स को सॉल्व कर लेंगे. 25 पहले ही 5 है, यानी पावर 1 है. 2 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 प्लस 20 प्लस 2, हम इन सबको प्लस कर लेंगे. वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और टू, तो बेस 10 में हमारे पास जो नंबर आएगा वो 197 है. बेस 10 में आमतौर पर बेस नहीं लिखते. हमारे पास जो नंबर पेंटा बेस में था 342, उसे जब हमने कन्वर्ट किया तो वो बेस 10 में 197 के इक्वल होगा. अगर बेस 8 में नंबर हो जैसे कि ये लिखा हुआ है तो फिर भी तरीका यही होगा. यानी किसी भी सिस्टम ऑफ नंबर में नंबर हो और उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो तरीका यही होगा. यानी 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 3 से,
क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हमारे पास तीन नंबर्स, तीन डिजिट्स आते हैं, तो इसका बेस है 8, इसलिए हमने इसकी पावर 3 रखी है। प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 2 से, फिर 1 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 0। एट के मल्टीपल्स हम सॉल्व करेंगे, यानी 8 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 जा 64, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करें 512, 4 इंटू 64 8, 5 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 3584। प्लस कर दें, 64 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 256, 8 और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इन सारे नंबर्स को आप प्लस कर लेंगे, थ्री फाइव एट फोर, तो ये हमारे पास बेस 8 में, बेस 8 से कन्वर्ट हो गया है बेस 10 में। लेकिन जैसा कि पहले बता चुका हूँ, बेस 10 में अगर कोई नंबर लिखा जाए तो उसके साथ बेस लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने जो नंबर कन्वर्ट किया है 7415 जो बेस 8 में था, इक्वल होगा 3853 के जो कि बेस 10 में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। आप ये तो सीख चुके हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ नंबर में कोई नंबर लिखा हुआ हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इस लेसन को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो पार्ट 3 के बी सेक्शन को भी ज़रूर देखें, उसमें हम शॉर्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें।